वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेस्ड. पिछली रात वो स्वाभाविक रूप से परेशान था. द ट्रेम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ ट्रेम्प क्लॉथ्स. और इसके जो घुमक्कड़ तौर तरीके हैं वो इसके कपड़ों के साथ ही समाप्त हो जाएंगे या चले जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. और जिस समय उसने ऐसा कहा उसी समय दरवाजा खुला और वह अजनबी अंदर आया. यस हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस. इस समय है वह वास्तव में साफ सुथरा भी है और अच्छी पोशाक भी पहनी हुई है. द वैलेट हैड बाथ्ड हिम. निजी नौकर ने उसको स्नान करवा दिया. एंड कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए. एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी. मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स. इसके अलावा ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग, वह इस पोशाक में अच्छा दिखाई दे रहा है. ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कपड़े हैं वो उस मालिक लोहार के थे. ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर, वह एक सफेद कमीज पहने हुए था और उसके अंदर क्लफ लगी हुई कॉलर थी. एंड हूल शूज, और पूरे जूते थे. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, उस समय उनका जो मेहमान है वो अच्छी तरह सजा हुआ था. देयर ओन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन वो आयरन मास्टर या जो मुख्य मालिक लोहार है वो प्रसन्न नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विद पुकर्ड ब्रो, उसने अपनी बोहें सिकोड़ करके उसकी ओर ध्यान से देखा. एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, और अब यह देखना आसान था जब उसने अपने उस अजनबी मित्र को देखा था. इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, उस भट्टी की अनिश्चित प्रतिबिंब के अंदर, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने अवश्य ही एक गलती कर दी थी. बट दैट नाउ, लेकिन इस समय, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड लाइट, जब वह एक खुले प्रकाश के अंदर खड़ा था, इट वॉज इम्पोसिबल टू मेड ए मिस्टेक, तो यह मिस्टेक हिम. इट वॉज इम्पोसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो अब यह गलती होना असंभव था उस पुराने परिचित के साथ में. व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है. ही थंडर्ड, वह गुर्राया या गर्जा. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और इस समय वो अजनबी है उसने किसी प्रकार के कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया. ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने देखा कि जो वैभव है उसका अंत आ चुका है. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, यह मेरी कोई गलती नहीं है श्रीमान. ही सेड, वह बोला कौन अजनबी. आई नेवर प्रटेंड टू बी एनीवन एनीथिंग, मैंने किसी भी चीज का कोई बहाना नहीं किया. बट ए पुअर ट्रेडर, लेकिन मैं तो एक गरीब विक्रेता था. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने आपसे केवल निवेदन किया और याचना की कि मेरे को उस दलाईगर में ठहरने की अनुमति दी जाए. बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, ज्यादा से ज्यादा बुरा यह होगा कि मैं मेरे कपड़े फटे हुए कपड़े पुनः पहन लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा. वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ में. इट वॉज नॉट क्वाइट होनेस्ट, यह इतना ईमानदार पूर्व कार्य नहीं था. आइदर, या तो यू मस्ट एडमिट दैट, या तो आप इसको स्वीकार करते. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मेरे को इस चीज में कोई आश्रय नहीं है कि जो कानूनी अधिकारी है वही इस मामले में कुछ कहेगा. द ट्रेम टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उस गुमकड़ ने एक कदम आगे की ओर रखा. एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को उस टेबल के ऊपर दे मारी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, मालिक लोहार, हाउ थिंग्स आर, चीजें कैसी हैं. ही सेड, वह बोला, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, यह पूरा का पूरा संसार है वो कुछ भी नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है. ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं जो आपको प्रस्तावित की जाती हैं वो एक पनीर की परत
और सुअर के मांस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर, और इनको रखी जाती हैं जिससे कि एक गरीब व्यक्ति को घसीट करके लाया जा सके, फेलो इन टू ट्रबल, और वह मुसीबत में आ जाए। एंड इफ द शेरिफ कम नाउ, और यदि कानूनी अधिकारी यहाँ आता है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मेरे को जेल में बंद कर देता है, देन यू, तब आप श्रीमान मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेम्बर दैट ए डे मे कम, कि एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप एक बड़ा सुअर के मांस का टुकड़ा चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कट इन द ट्रैप, और उसी समय आप एक जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और इस पर मालिक लुहार है वो हंसने लगा, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, और यह कोई बैडली सेड, यह बुरी तरह से कहा गया था, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, वी शुड लेट द शेरिफ, हमें शेरिफ को छोड़ देंगे, अलग कर देंगे उस कानूनी अधिकारी को इस क्रिसमस की शाम के ऊपर, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन आप यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाओ, बट जस्ट एज द मैन वाज, लेकिन उसी समय वो व्यक्ति ओपनिंग द डोर, उसने दरवाजा खोला, द डॉक्टर सेड, तो उसकी पुत्री ने कहा, आई थिंक ही ओट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचते हूँ कि उसको आज यहाँ रहना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसको जाने नहीं देना चाहती हूँ, एंड विथ दैट ही वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी के साथ में वह गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वे वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, यू डूइंग, अरे आप क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉक्टर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली नू, वह लड़की है वो वहां पर थोड़ी शर्मिंदी महसूस की, उसने परेशान महसूस किया, एंड हार्डली न्यू, और मुश्किल से जाना व्हाट टू आंसर, कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी, व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, कि कैसा घर जैसा, और क्रिसमस के दिवस पर शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज, कि वह एक गरीब भूखे अभागे व्यक्ति के लिए चीजें बना रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह उस विचार को तुरंत नहीं त्याग सकती थी, एंड और वाज साई, वह शर्मिंदी थी, शी हैड इंटरेस्ट फॉर द वेगाबाउंड, और उसने उस घुमक्कड़ या आवारा जो घूमने वाला व्यक्ति है उसके बीच में मध्यस्थता की थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर उस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। ही वॉक एंड वॉक द होल ईयर, वह वर्ष भर चलता और चलता रहता है, लॉन्ग, एंड देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और संभवतया इस पूरे देश के अंदर उसके लिए एक भी ऐसी जगह नहीं है वेयर ही इज वेलकम, जहां पर उसका स्वागत किया गया हो, एंड कैन फील एट होम, और उसने घर जैसा महसूस किया हो। वेन एवर ही ट्रंस ही इज चेस्ट अवे, और जहां कहीं भी वह मुड़ता है या जाता है उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, और प्रत्येक जगह वह गिरफ्तार होने का और पर्सन पर पर्सन पूछे जाने का भय उसके अंदर रहता है, पूछताछ किए जाने का भय उसमें रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस, आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय, मैं उसके साथ में आनंद या खुशी मनाना चाहती हूँ एक दिन के लिए, ओ पीस, शांति का, विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल वर्ष भर के अंदर एक दिन ने। द आयरन मास्टर मंबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और वो आयरन मास्टर या मुख्य लुहार मालिक लुहार है वो अपनी दाढ़ी के अंदर ही बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, उसके पास में कुछ भी अपनी लड़की का विरोध करने का नहीं था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, यह एक गलती थी, ऑफ कोर्स, निसंदेह, शी काउंटेड, उसने कहा। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ओट टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग, लेकिन आप ये मत सोचो कि हम एक मानव प्राणी को यहाँ से भगा रहे हैं। हु वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने यहाँ आने के लिए कहा था, एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस ईयर, और उससे हमने
क्रिसमस की खुशी करने का वादा किया था। यू डू पर्च वर्स देन ए पर्सन, आप एक व्यक्ति से भी ज्यादा गलत भाषण कर रही हो, उपदेश दे रही हो, सेड देयर ओन मास्टर, उस मालिक लोहार ने कहा। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और मेरे को ऐसा आशा है कि कहीं आप इसके लिए पश्चाताप न करो। द यंग गर्ल लुक द स्ट्रेंजर बाई, उस जवान लड़की ने उस अजनबी की ओर देखा। द हैंड बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसका हाथ पकड़ करके टेबल के ऊपर ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाना खाओ, शी सेड, वह बोली। फोर शी कुड सी दैट हर फादर हैव गिव इन, और इस समय उसने देखा कि उसके पिताजी ने हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रिप्स सेड नॉट ए वर्ड, और चूहे दानी वाला जो व्यक्ति है उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वह वहां बैठ गया और उसकी खाना खाने में सहायता की। टाइम आफ्टर टाइम, समय दर समय, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने उस जवान लड़की की ओर देखा। हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जिसने उसकी मध्यस्थता की थी। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा ऐसा सनकी आइडिया उसमें, विचार उसके पास में था। आफ्टर दैट, इसके पास में क्रिसमस ईव एट रामेश्वर पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और रामेश्वर के अंदर वैसी ही क्रिसमस की संध्या गुजरी जैसे पहले गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और वह अजनबी है किसी भी परेशानी का कारण नहीं बना क्योंकि वह केवल सो रहा था। द होल फोरनून, पूरी दोपहर, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, वह एक गेस्ट रूम या मेहमान के कमरे के अंदर एक सोफे पर लेटा हुआ था। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक गहरी नींद में सोया हुआ था। एट नून, दोपहर को, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसको जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि वह उस क्रिसमस का जो हिस्सा है उसके अंदर अपना साझा कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और उसके बाद में वह पुनः सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी इयर्स, और उसके लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई वर्षों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली, कि वह कई दिनों तक इतनी शांति से और सुरक्षा से नहीं सो पाया था। एज हियर एट रामेश्वर, जैसा कि वह रामेश्वर में सो रहा था। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटन्ड, जब क्रिसमस के पेड़ के अंदर प्रकाश किया गया। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको पुनः जगा दिया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल, और वह थोड़ी समय के लिए वहां पर खड़ा हो गया। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वह आंखें इस तरह से झपक रहा था जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसको चोट पहुंचा रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, लेकिन कुछ समय बाद में वह पुनः गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे बाद में उसको पुनः जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, और उस समय वह डाइनिंग रूम के अंदर बैठ गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और किशमिश के ऊपर जो मछली और दलिया बनाया गया था उसको खाने लगा। एज सून, जैसे ही, एज दे गोट फ्रॉम द टेबल, वो खड़े हुए टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, ही वेंट अराउंड, तो वह चलने लगा, टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, और उन्हें धन्यवाद दिया। यू एंड गुड नाइट, और अलविदा, अच्छी रात्रि का। बट when he came to the young girl, लेकिन जब वह उस जवान लड़की के पास में आया, she gave him to understand that it was her father's intention, और जब उसने उसे कहा कि यह उसके पिताजी का इरादा है, that the suit which he wore was to be Christmas present, कि जो सूट उसने पहन रखा है वो क्रिसमस के त्योहार का उपहार है। he did not have to return it, और उसको अब लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन पैलेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और यदि वह अगली जो क्रिसमस की संध्या है वो इस जगह
बिताना चाहते हो जहां पर उसने शांति से आराम किया है, एंड बी श्योर, और आपको आश्वस्त होना चाहिए दैट नो ईविल वुड बी फॉल हिम, कि कोई भी बुरी बात आपके साथ में नहीं होगी। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, एक बार पुनः उसका स्वागत किया गया। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और जिस व्यक्ति के पास में रेड ट्रैप थी उसने इस चीज का कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, उसने उस लड़की की ओर असीमित अचंभे के साथ में देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर ओन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सेशन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और अगली सुबह वह मालिक लुहार और उसकी पुत्री है वो सुबह जल्दी उठे जिससे कि क्रिसमस की प्रार्थना की जा सके। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लिप, और उनका मेहमान अब भी सोया हुआ था। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको डिस्टर्ब यानी उसमें कोई व्यवधान नहीं डाला। वेन एट अबाउट 10 o'clock, और जब लगभग 10 बजे दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, वो ड्रॉ बैक चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजिटेटली देन यूजल, और उस समय उस लड़की ने अपना सर है वो हताशा या निराशा के साथ में झुका रखा था। एट चर्च चर्च पर सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर ऑफ द आयरनस वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन, कि रामस्य वर्क का एक पुराना जो किसान है उसको लूट लिया गया एक व्यक्ति के द्वारा। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो कि चूहेदानी बेच रहा था। यस हाँ, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, वह एक अच्छा व्यक्ति था जिसको आपने घर के अंदर आने दिया, सेड फादर, पिताजी ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, मेरे को आश्चर्य है कि अब लकड़ी की जो अलमारी है उसमें कितनी चांदी की जो चम्मच हैं वो बची हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, और जैसे ही जो गाड़ी है वो सामने की स्टेप या सीढ़ी के ऊपर जाकर के रुकी। वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, और उस समय उस मालिक ने उस निजी नौकर से कहा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या वह अजनबी अभी घर में है क्या। ही एडेड, उसने कहा दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ, कि उसने सुना है कि वो चर्च में सुना है कि वह व्यक्ति एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गोन, और उस समय उस निजी नौकर ने कहा कि वह अजनबी तो जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वह अपने साथ में कुछ भी लेकर के नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलमनसन, और उसने एक पैकेट है वो छोड़ के गया है विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको कि श्रीमती विलमनसन है उसको दयालुता पूर्वक उस उपहार को स्वीकार करना है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस जवान लड़की ने उस पैकेट को खोला विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और उसको इतनी गलत तरीके से बंद किया गया था कि उसको घटक हैं वो दिख रहे थे। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जो, और वह खुशी से चीख पड़ी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, कि उसने उसके अंदर छोटी सी चूहादानी पाई थी। एंड इन ले 3 wrinkled 10 kroner notes, और उसके अंदर 3 सिकड़े हुए क्रोनर नोट हैं वो थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप, उस चूहेदानी के अंदर ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जेग्ड करेक्टर से, और उसके अंदर एक पत्र था जो आधे तिरछे अक्षरों के अंदर लिखा हुआ था। होनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और भद्र श्रीमती, सिंस यू हैव बीन नो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, और जब से आप मेरे साथ में जितनी अच्छी हो, एज इफ आई वॉज ए कैप्टेन, जैसे कि मैं कोई कैप्टेन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ में भद्र होना चाहता हूँ। इन रिटर्न, इसके बदले में, एज वाई एज ए रियल कैप्टेन, जैसे कि मैं एक वास्तव में कैप्टेन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू यू टू बी एम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सेशन, इसलिए मैं इस क्रिसमस के अवसर पर आपको परेशानी नहीं करना चाहता बाई ए थीप, चोरी के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड,
आप इस पैसे को उस सड़क के किनारे जो वृद्ध व्यक्ति है उसको लौटा देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने अपने पैसे को खिड़की की फ्रेम के अंदर लटका रखा था, एज ए बेट फॉर पुअर वांडरर्स, जिससे कि यह प्रलोभन बन सके गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये रैट ट्रैप ये चूहेदानी है वो एक क्रिसमस का उपहार है एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप्स, जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस चुका है, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि वह उसको कैप्टन के रूप में नहीं उठाती या मानती। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ करने की कोई शक्ति उसके अंदर प्राप्त की। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता रूप और बहुत ही सम्मान के साथ में लिखा गया है कैप्टन वॉन शेथले, कैप्टन वॉन शेथले के द्वारा। तो थैंक यू स्टूडेंट, ओके बाय। हाँ कृपया ये जो अपना चैनल है इसको शेयर करो, साझा करो, लाइक करो, और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखो। थैंक यू, ओके।